दोस्तों, वजन कम करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार किसी विशेष कारण के चलते हम जल्दी से जल्दी अपना वजन कम करना चाहते हैं। आने वाले कुछ दिनों में, या फिर शादी हो, या फिर कोई खास फंक्शन हो, या फिर अगर आपने ठान ही लिया है कि अगले कुछ दिनों में आप अपने फेवरेट लिबास में फिट होकर ही रहेंगे जो अब तक नहीं हो पा रहे हैं, तो आज हम आपकी इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके हाजिर हैं। जी हाँ, आज के समय में जब हमारा ज्यादातर काम बैठे रहने का होता है, जॉब में बैठना है, घर पर भी बैठना है, टीवी के सामने बैठना है, तो आधा समय हमारा बैठे बैठे ही निकल जाता है। ऐसे में हमारे पेट का निकलना तो तय हो ही जाता है और हम में से अधिकतर लोग इसी समस्या से पीड़ित हैं। और दिक्कत ये है कि ये फैट हम घटाना तो चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं। तो आज हम आपके लिए ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिससे आप मात्र 10 दिनों में अपने पेट की चर्बी को घटा सकते हैं और अपना वजन तेजी से कम कर सकते हैं। तो क्या है वो टिप्स, जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। और हमारे चैनल वेट लॉस गाइड को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आसानी से पा सकेंगे। वेल फ्रेंड्स, अपने पेट की चर्बी को घटाने के लिए डेली रूटीन में एरोबिक्स एक्सरसाइज को जरूर शामिल कीजिए। चर्बी युक्त पेट बहुत सारी बीमारियों को खुद में समेटे रहता है, क्योंकि ये आपके शरीर का सबसे ज्यादा हार्मफुल फैट होता है। वर्कआउट के अलावा जंक फूड को अवॉइड कीजिए, और हाँ, अल्कोहल भी पेट के फैट को बढ़ाने का भरपूर काम करता है। इसके अलावा आज जो हम टिप्स बताने वाले हैं, उनसे आप अपने बली फैट को मात्र 10 दिनों में कम कर सकते हैं। बस आपको त्यागना होगा, तो वो है आलस। तो सबसे पहले टिप मैं जो आपको देने वाली हूँ, वो है अपने डेली रूटीन में एरोबिक्स को आप शामिल कीजिए। जी हाँ, अगर आप अपने पेट का फैट जल्दी से बर्न करना चाहते हैं तो कार्डियो ट्रेनिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है। स्टडीज से पता चला है कि एरोबिक्स बेली फैट को कम करने का मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे आप बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं और इससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसलिए हाई डेंसिटी वाले वर्कआउट्स जैसे कि रनिंग, स्विमिंग या एरोबिक्स से आप अपने बेली फैट को जल्दी ही कम कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आप कितना टाइम और फ्रीक्वेंसी अपने इन एक्सरसाइजेस को दे रहे हैं। सही टाइम और सही फ्रीक्वेंसी से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। दूसरा है, रिफाइंड कार्ब्स का इंटेक आप कम कर दें। जी, एब्डोमिनल एरिया के फैट को कम करने की और अच्छी सेहत पाने के लिए आपको रिफाइंड कार्ब्स का इंटेक को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। ये जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट लो कार्ब्स डाइट को ही फॉलो करें, लेकिन हाँ, इसको अनप्रोसेस्ड कार्ब्स से रिप्लेस जरूर कर दीजिए। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, सोडाज की जगह ज्यादा सब्जियों और होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में आप शामिल करें। तीसरा है, फैटी फिशेस को अपनी डाइट में शामिल करें। वसायुक्त मछलियां जैसे सैल्मन, सार्डिन्स या टूना में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और ये ओमेगा 3 एसिड्स में रिच होती है। हर हफ्ते इनके 2 से 3 पोर्शन खाने से आप बहुत सी घातक बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज से भी आप बच सकते हैं, और पेट की चर्बी को तो आप कम कर ही सकते हैं। स्टडीज से ये भी पता चला है कि ओमेगा 3 फैट्स आपकी आंत तक के फैट को भी कम कर देता है, जो कि आपके अब्डोमेन के इर्द गिर्द होता है। चौथी जो टिप हम आपको देंगे, वो है कि आप अपने दिन की शुरुआत ही हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट से कीजिए। अपने दिन की शुरुआत आप ग्रीक योगर्ट, प्रोटीन स्मूदीज, स्क्रैम्बल्ड एग वाइट या खिचड़ी से कर सकते हैं। अगर सुबह प्रोटीन का आप सेवन करते हैं तो आपको लंच तक कोई भूख नहीं लगेगी। वेट लॉस के दौरान आपके मसल्स का मास घटाए बिना ही प्रोटीन आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, और आप कुछ और प्रोटीन्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि अंडा, फिश, चिकन, बीन्स या डेयरी प्रोडक्ट्स। पांचवा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप वेट लूज नहीं भी करना चाहते हैं तब भी हाइड्रेटेड रहना आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा
इम्पॉर्टेंट होता है। दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी हर रोज आपको पीना ही चाहिए। इससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। और हाँ, खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीने से आपको भूख भी कम लगेगी, जिससे आप कम कैलोरी का इंटेक करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी ऐसा पेय पदार्थ ना लें जिसमें शुगर और कैलोरी की मात्रा अधिक हो। सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से आपका मेटाबॉलिज्म और पाचन शक्ति दोनों ही अच्छी होती है। छठा जो आपको ध्यान रखना है वो है नमक का सेवन भी बिल्कुल कम कर दें। नमक खाने से पानी बनता है और ये आपके पेट को फुला देता है। कुछ भी खरीदने से पहले आप एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि उसके न्यूट्रिशन लेबल पर हाई सोडियम ना लिखा हुआ हो, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स में नमक, एडेड शुगर और अनहेल्दी फैट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और आज की आखिरी टिप जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि हमेशा घुलने वाली यानी कि सॉल्युबल फाइबर्स ही खाने में शामिल करें। प्रोटीन की तरह ही सॉल्युबल फाइबर आपके पेट को कई घंटों तक भरे रखता है, जिससे आपको बीच बीच में अननेसेसरीली भूख नहीं लगती और आप अपने खाने में एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते। सॉल्युबल फाइबर्स में पानी की मात्रा अधिक होती है और वो जेल की तरह बन जाते हैं, जो कि फैट कम अब्सॉर्ब करता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो कुछ और चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि जौ हो गया, नट्स हो गया, बीन्स हो गया, मसूर की दाल हो गई। ऐसी सारी चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जो भी खाते हैं उसमें प्रोटीन और कम फैट वाली डाइट को इंक्लूड करें। इससे आप बहुत तेजी से अपनी बेली फैट को घटा सकते हैं और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज को जरूर अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वजन तेजी से कम होगा और साथ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लग जाएगा, ये गारंटी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।